मेरा क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं फैजान मुराद। दोस्तों, दिल्ली तो दिल वालों की शहर हुआ करती थी, लेकिन नफरत वालों की कब से हो गई ये किसी को पता ही नहीं चला। ये जो टीवी स्क्रीन पे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि दिल्ली अब दिल वालों की शहर नहीं रही, अब नफरतों की बस्ती बन गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के नालगोई थाने से एक वीडियो सामने में आ रहा है जो कि दिल दहलाने देने वाली बात है। और हमारे देश के मीडिया और हमारे देश के पुलिस किस तरह से नपुंसक बन गई है, मतलब कुछ काम करने नहीं पा रही है। अगर इस वीडियो में आप देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये जो संघी लोग हैं, इन लोगों का आरोप है कि मुहर्रम के वक्त ये लोग यात्रा निकाल रहे थे और मुहर्रम के वक्त कुछ लोगों ने इन लोगों पर पथराव किया। तो इसी को लेकर के ज्ञापन सौंपने के लिए थाने पर पहुँच गए। और थाने पर पहुँच करके ये लोग थाने के बाहर ही, आप देख सकते हैं वीडियो में कि थाने के बाहर ही पुलिस के रहते हुए ये लोग नारे लगाते हैं कि अगर हिंदुओं का हनन हुआ तो रोडों पे कत्लेआम होगा, रोडों पे खून बहेगा। मतलब जो देश का रक्षक है, जो देश के कानून का हिफाजत करते हैं, उसी के घर के सामने में, पुलिस स्टेशन के सामने में ये लोग भीड़ जुटा करके ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं का हनन हुआ तो फिर सड़कों पर खून बहेगा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का कहना है, और हमारे देश के कई ऐसे मीडिया चैनल हैं, कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो ये लिखते हैं इसके बारे में कि कांवरियों पे पथराव के वजह से, बजरंग दल पे पथराव के वजह से दिल्ली के नालगोई थाना में ये लोग ज्ञापन सौंपने गए हैं। लेकिन किस तरह से ज्ञापन सौंप रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। हमारे देश की मीडिया ये नहीं लिखती है कि मुसलमानों के बारे में इतनी इतनी गंदी गंदी बातें बोली गई है और इतनी इतनी अभद्र टिप्पणियां दी गई है। आप पहले वीडियो को देखिए। हिंदू हितों का हनन हुआ तो भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी ने ये शपथ लेके जाने हैं, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं, वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे, फेंकेंगे कि नहीं? तो दोस्तों, आपको 2021 का दिल्ली दंगा याद है, किस तरह से आग भड़की थी और किस तरह से कई लोगों के घर उजरे थे। ठीक उसी तरह से ये लोग अब नफरती चिंटू नफरतों का बाजार गर्म करते हैं और हमारे देश की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। और इन जो नफरती चिंटू है, इन लोगों का खुले में ऐलान है कि जितने भी मुसलमान तुम लोगों के घर में किराए में रहता है या फिर जितने भी नाई के दुकान है, वो सारे के बंद कर दिया देना चाहिए। जबकि ये माना जाता है कि दिल्ली में ज़्यादातर नाई का दुकान मुसलमानों का है, लेकिन जो लोग किराए पे रहते हैं उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए, जो भी फ्लैट में रहते हैं उन लोगों को, मुसलमानों को दिल्ली से भगा दिया जाए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं हमारे देश की मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं लिखती है, इसके बारे में ये लिखती है कि बजरंग दल किस तरह से ज्ञापन सौंपने गई है थाने में, लेकिन ये नहीं बोलती है कि थाने के बाहर जिस तरह से नफरती भाषण दी है, जिस तरह से मुसलमानों के बारे में उल्टा पुल्टा बातें बोली है, एक भी लफ्ज़ नहीं निकलता है। हमारे देश की मीडिया की गरिमा इतनी गिर गई है, इतनी गिर गई है कि अब आप क्या ही कर सकते हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से एक ख़ास कम्युनिटी मुसलमानों से इतनी भी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि मरने मारने पे उतारू हो गए हैं, मतलब खून के प्यासे हो गए। कहीं पे मुसलमान देखो, कहीं पे दाढ़ी टोपी वाला देखो तो उसको सड़कों पे दौड़ा दो, उसको मार दो, कुछ भी कर दो उसके साथ। लेकिन हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। और हमारे देश की पुलिस ये कह रही है अगर किसी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश किया गया तो उस पर कड़ी एक्शन लिया जाएगा। क्या ये माहौल ख़राब नहीं हुआ? क्या थाने के सामने में इस तरह से नफरती भाषण देना माहौल ख़राब नहीं हुआ? आप सोच सकते हैं कि पुलिस इस तरह एक तरफ अलग स्टेटमेंट देती है और दूसरी तरफ इन लोगों के सामने में पूरी तरह से सरेंडर कर देती है। दोस्तों, इन नफरती चिंडुओं का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि अब थाने के सामने में जा करके मुसलमानों को धमकी देने लगता है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ फैजान, आप देख रहे हैं सच के साथ।